नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की सम विषम यानी ऑड इवन योजना की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑड इवन के बाद में प्रदूषण घटा है, ट्रैफिक सुधरा है। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, दावे अपनी जगह पर हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार शायद पूरे उनके इतने समय के कार्यकाल में, लगभग अभी एक साल उनको हो जाएगा, पहली कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो इतनी जोरदार आवाज़ कर सकते थे। वो भी 15 दिनों का एक प्रयोग था। इसके लिए हमको, जब भी हम इस सम विषम योजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको कुछ तथ्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला तथ्य तो ये है कि दिल्ली की हवा जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा खराब प्रदूषित वायुमंडलीय वातावरण में से एक है। दिल्ली की हवा जो है वो चीन के सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषित है। उससे तिगुनी प्रदूषित हवा दिल्ली की है। और चीन में अभी गुलाबी हवा हो गई थी, उस वजह से स्कूल बंद करने की नौबत आ गई थी। और उससे ज़्यादा प्रदूषित हवा में वहाँ के लोग वैसे ही सांस ले रहे हैं। वहाँ पर हर तीसरे बच्चे का फेफड़ा जो है वो सिर्फ इसलिए कमज़ोर है कि वो जब वो पैदा होता है तो उसके बाद उसको सांस लेने के लिए ताज़ी हवा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। ये परिस्थितियाँ दरअसल इतनी गंभीर हैं कि इसमें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार या सम विषम परियोजना, जिसको ऑड इवन के नाम से खूब प्रचारित किया गया, गोया के हिंदी के पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं हो जिसको हम इस्तेमाल में ला सकते हो। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये बात, सम विषम नंबरों की संख्या से गाड़ी सड़क पर आना चाहिए। ये पहली बात तो कोई नई इजाद नहीं थी। ये प्रयोग पहले भी हो चुके हैं, चीन में भी हो चुके हैं, यूरोप के कुछ देशों में हो चुके हैं, फिलीपींस में हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये आखिर नौबत क्यों आई। ये नौबत इसलिए आई कि जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है और उसको लेकर कोई तुरंत कदम उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले जब इस तरह की रपटें सामने आई थी मौसम विज्ञानियों के द्वारा, पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा, तब सीएनजी की जो बसें चलाई गई, सीएनजी की गाड़ियां चलाई गई, उससे एक हद तक वायु प्रदूषण में कमी आई। लेकिन फिर भी अचानक गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ती चली गई कि वो जो सीएनजी की गाड़ियां थी उसका जो प्रभाव था अच्छा, वो भी पूरा खत्म हो गया और दिल्ली की हवा आखिर प्रदूषित होती चली गई। जब कोर्ट ने फटकार लगाई, जब कोर्ट ने कहा कि सरकार सो रही है और अभी तक कुछ भी ठोस कदम उठाया हुआ नहीं दिखा, तब हड़बड़ी में इस सम विषम योजना को लागू किया गया। पहला तथ्य है। तो आज अगर सरकार अपना सीना फुलाकर अपनी पीठ खुद ठोक रही है, तो उनको पहले तो ये मान लेना चाहिए कि ये उन्होंने खुद कोई एकदम से उठाया हुआ कदम या पहल नहीं है। कोर्ट की फटकार के बाद ये कदम उठाया गया। दूसरा, चूंकि उनको कोई तत्काल एक ऐसी तैयार माल, तैयार सुविधा, रेडीमेड जिसको कहते हैं मसाला देना था, जिससे कि उनकी कोर्ट में जो है वो स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए और कुछ जमीन पर होता हुआ दिखाई दे, तो उन्होंने ये आयातित जो विचार था, आयातित आइडिया था, उसका इस्तेमाल करके सम विषम जो है दिल्ली की जनता पर लगा दिया। अब चूंकि आप 2000 रुपये का चालान काट रहे थे, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो 2000 रुपये का चालान रोज कटवाए। उसके बावजूद 2144 चालान 15 दिनों के इस प्रयोग के दौरान दिल्ली में काटे गए, लोगों से 2000 रुपये वसूले गए। लेकिन चूंकि इसका प्रचार बहुत पहले से कर दिया गया था, इसलिए लोगों ने कोई ना कोई दूसरा रास्ता अपनाया, या तो वो सार्वजनिक परिवहन से गए, या किसी के घर में 2 गाड़ी थी, एक सम वाली एक विषम वाली, उससे काम चलाया, या गाड़ियों की अदला बदली भी हुई है। 2 लोगों ने आपस में अपनी गाड़ी बदल ली, सम और विषम वाली, हर रोज अपनी गाड़ियां बदल के चलाते थे। किसी ने अपने रिश्तेदार से दिल्ली के बाहर से गाड़ी मंगा ली, और ये सारे व्यक्तिगत उदाहरण मैं जानता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी जो गली थी वहां पर उन्होंने एक सूची तैयार कर ली कि किसकी गाड़ी कौन से नंबर की, और उस हिसाब से उस गली से निकल के जाने लगे। कुछ समय के लिए प्रयोग ठीक है। इस प्रयोग से जो चंद फायदे हुए हैं, सारी बातें नकारात्मक नहीं है, इस प्रयोग से एक बड़ा फायदा ये निश्चित तौर पर होता हुआ दिखाई दिया कि दिल्ली की सड़कों पर लगातार होने वाला जो जाम था उससे कुछ हद तक निजात मिली है। जो आपको गंतव्य तक पहुंचने में समय लग रहा था उससे 10 से 15 मिनट आपको कम लगे हैं। वो भी सारी जगहों पर नहीं हुआ, सारी सड़कों पर नहीं हुआ, लेकिन मैं भी खुद ये व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि ट्रैफिक जो है वो निश्चित तौर पर थोड़ा व्यवस्थित हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या आप ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस प्रयोग को कर रहे थे या प्रदूषण की? तो जहां तक प्रदूषण की बात है, तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि इससे दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। और दिल्ली सरकार भी इसको लेकर गोलमोल बात कर रही है कि मौसम का, निश्चित तौर पर मौसम का प्रभाव होता है। पिछले साल 2015 की जनवरी में आज दिल्ली की हवा जितनी प्रदूषित है उससे कई गुना कम प्रदूषित थी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में जनवरी में मावठे की बारिश हो गई थी, और बारिश से जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण करने वाले जो तत्व हैं वो नीचे आ जाते हैं और हवा थोड़ी साफ हो जाती है। तो अभी मौसम जो है वो वैसा नहीं है, बारिश हुई नहीं है, ठंड
थोड़ी है, कभी ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से जो प्रदूषण करने वाले तत्व हैं वो हवा में उतनी मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए प्रदूषण। पहले तो हम ये देखें कि वाहनों से होने वाले जो धुआं है उससे प्रदूषण कितना होता है दिल्ली में। उससे केवल 14 से 16% का योगदान है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है जो निर्माण कार्य से मिट्टी रेत गिट्टी उड़ती है, जमीन पर जो खुली में धूल पड़ी हुई है वो धूल उड़ती है, और जो तंदूर से या दूसरे मिट्टी के चूल्हे से धूल होती है वो उड़ती है, उससे दिल्ली की हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। तो अगर दिल्ली सरकार के दावे, जिससे आपने सवाल शुरू किया था, दावे अपनी जगह है, अगर वो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखें तो प्रदूषण को दूर करने के लिए ये दूरगामी कदम नहीं है। क्या इस प्रयोग को आगे भी जारी रखना चाहिए? देखिए, अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को जारी रखा जा सकता है, लेकिन इस प्रयोग से अगर आप ये मान लेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक ठीक हो गया, उससे नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत, आप खुद ही दिल्ली सरकार ने कहा कि 6000 बसें हैं और उन्होंने 9000 बसों जैसी भूमिका निभाई है, और 180 किलोमीटर ही चल पाती थी, वो 220 किलोमीटर चली हैं। आपकी 6000 बसें ही क्यों हैं? बसों की तय लेन क्यों नहीं है? बसों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? बसें आपको अंतिम स्थान तक पहुंचाने में सफल क्यों नहीं है? मेट्रो का जहां जहां काम चल रहा था वो धीमा क्यों चल रहा है? मेट्रो इस देश में ई श्रद्धरन के नेतृत्व में ऐसे एक परियोजना के रूप में जाना जाता है जिसमें शीला दीक्षित का भी नाम ऊंचा हुआ कि वो समय सीमा में पूरा हुआ और कुछ काम उसके समय से पहले पूरे हुए। वो ई श्रद्धरन के छोड़ देने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाने के बाद उस पर कितना काम हुआ, क्या उसको लेकर कोई श्वेत पत्र जारी करेगी दिल्ली की सरकार? क्या हमको पता लग पाएगा कि कई जगहों पर जो मेट्रो के काम पे नाम पर निर्माण कार्य चल रहा है, सड़कें खुदी पड़ी है, वो कब तक पूरी होंगी? दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो मेट्रो से नहीं जुड़ा है वो कब जुड़ेगा? लोगों को अगर रेलवे स्टेशन से या हवाई अड्डे से अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या सीधे मेट्रो की सुविधा मिलेगी? मेट्रो बदलना आसान नहीं रह गया है। मेट्रो में जिस तरह की भीड़ है वो मुंबई की लोकल की तरह ही डरावनी हो चुकी है। आप धक्के के साथ गाड़ी में चढ़ते हैं, धक्के के साथ गाड़ी से उतरते हैं, क्या आप ज्यादा मेट्रो चलाकर स्थिति से लोगों को बचाने के लिए तैयार हैं? तब जाकर दिल्ली की सड़कों को निश्चित तौर पर उस ट्रैफिक से राहत मिलेगी जिसकी वजह से दिल्ली आज परेशान है। जयदीप जी, यह भी कहा जा रहा है कि सम विषम योजना जो है यह सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। देखिए, शुरुआत में हमने बात कह दी कि सम विषम जो योजना है वो कोई पर्यावरण को लेके गहरे सरोकारों के कारण, दिल्ली की हवा को फिजा को सुधारने के दृढ़ संकल्प के कारण शुरू होने वाली योजना नहीं है। ये कोर्ट की फटकार के बाद हड़बड़ी में जागी हुई सरकार द्वारा उठाया गया एक हड़बड़ाहट का कदम था। इसके अलावा उनको कोई ऐसा उपाय नहीं सूझा जो तुरंत कोर्ट में भी उनकी स्थिति बेहतर कर दे और जमीन पर कुछ होता हुआ दिखाई दे। उस परियोजना को चालान के डर से, जुर्माने के डर से, या कुछ लोगों ने स्वेच्छा से दिल्ली की स्थिति बेहतर करने के लिए अगर साथ निभाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपात स्थिति में लिए गए निर्णय जो होते हैं वो हमेशा के लिए लागू नहीं किए जा सकते। एक आपात स्थिति थी, हवा बहुत खराब हो गई थी, कोर्ट ने कहा कुछ करो, आपने कर दिया। ईमानदारी की बात यह है कि उससे ट्रैफिक पर फर्क पड़ा, उस वजह से लोगों को राहत महसूस हो रही है, लेकिन प्रदूषण की स्थिति कम नहीं हुई है। दिल्ली में जो हवा का प्रदूषण है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा, गंभीर और बड़ा संकट है। उसको आप इस तरह की बैंडेड वाली मरहम पट्टी से नहीं सुधार सकते, उसको एक पूरी लंबी सर्जरी की आवश्यकता है जिसके अगले 1, 2, 3, 4, 5 सालों में क्या परिणाम होंगे इसकी गणना करनी होगी, विशेषज्ञों की राय लेनी होगी। दिल्ली के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से जो मिट्टी के चूल्हों से जो धुआं उठता है वो एक बड़ा कारक है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाला जो रेत मिट्टी के कण है वो बड़े कारक है। उनको कैसे दूर करेंगे उस पर गहन गंभीर मंथन हुआ है, वो किसी एक बोर्ड मीटिंग से या वातानुकूलित कमरे की बैठक से निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। उसके लिए विशेषज्ञों की टीम गठित करके, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था, अगर दिल्ली सरकार वाकई गंभीर है, दिल्ली सरकार कहती कि हम सब मोर्चों पर फेल हो जाएं लेकिन हम इस पर्यावरण के मोर्चे पर जीतना चाहते हैं, तो उस दृढ़ संकल्प को उतारिए। निश्चित तौर पर दिल्ली नहीं, देश की जनता आपको याद करेगी, लेकिन कुछ गंभीर, कुछ ठोस, कुछ बेहतर परिणाम दीजिए। ये केवल मेकअप करके आप किसी का चेहरा नहीं सुधार सकते, उसके लिए आंतरिक स्थिति सुधारना बहुत जरूरी है। जरीब जी, अब तो अन्य शहरों में भी यह प्रयोग शुरू करने की मांग उठने लगी है। देखिए, अब चूंकि आपने उसका इतना प्रचार कर दिया, ढिंडोरा पीटा, तालियां बजवाई, तो दूसरे शहरों को ऐसा लग सकता है कि ये कोई ऐसी संजीवनी बूटी है जिससे हमारे यहाँ की स्थिति बेहतर होगी। जो शहर ट्रैफिक जैम की समस्या से परेशान है वो अगर इस सम विषम के फॉर्मूले को लागू भी करते हैं तो कुछ समय के लिए ट्रैफिक से राहत मिलेगी, लेकिन भैया आने वाले समय में लोग कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे, इस तरह से गाड़ियां ले लेंगे, दिल्ली में नंबर प्लेटें बदलने का या CNG के नकली स्टिकर खरीदने का भी बहुत सारा मामला हुआ है और वो सामने भी आ रहे हैं।
हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो आबादी है, गाड़ियों की जो संख्या है, वो इतनी ज्यादा है, जहां पर मुंबई में 12 से 15 लाख गाड़ियां हैं, दिल्ली में 80 लाख गाड़ियां हैं। तो आप कल्पना तो करके देखिए कि आप किस चीज से जूझ रहे हैं। गाड़ियों की संख्या कम तब हो सकती है जब आप लोगों को घर से निकलकर दफ्तर तक जाने या अपने कामकाज के लिए जाने और कामकाज से वापस घर तक आने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराएंगे। दूसरे जो शहर भी इस तरह की योजना को लागू करना चाहते हैं, वो पहले देखें कि क्या उनके शहर में लोगों के पास आने जाने के लिए कोई विकल्प है। अगर नहीं है तो वो उपलब्ध करा दीजिए सम विषम की बजाय। मेरा ये मानना है, मैं पूरी मजबूती के साथ ये मानता हूं कि हमें लंबे समय के लिए सोचना चाहिए। सम विषम एक तात्कालिक लाभ दे सकता है, लंबे समय के लिए योजना सही नहीं हो सकती है। आदमी को घर से जाना है, काम के लिए निकलना है, या तो वो गाड़ी लेके निकलेगा, अगर उसके पास सुविधा मौजूद होगी तो घर में दो गाड़ियां होते हुए भी अगर वो कम समय में पहुंच रहा है, कम पैसे में पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सरकार की सम विषम योजना की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।